हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको लोगो बनाना सिखाने वाला हूँ, कुछ इस तरीके का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉन्ट का लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके आपको फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। फिर फॉन्ट में जाना है। वहाँ आपको एक फाइल का आइकॉन मिलेगा, उस पे क्लिक कर लेना है और जिस फाइल में आपने फॉन्ट डाउनलोड करके रखा है उसमें जाके ऐड डायरेक्टली पे क्लिक कर देना है। अब अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर ले। अब बैकग्राउंड को पीएनजी करके इसे सेव कर लेना है। अब पीएस टच ओपन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके रेशियो 1080x1080 रख लेना है। अब ग्रेडियंट में जाके इसे फिल कर लेना है। उसके बाद एफएक्स में जाना है और लाइटिंग ऐड करना है। अब इसमें क्लिक करके फोटो लेयर पे क्लिक करना है और फिर फोटो लाइब्रेरी में जाके आपको अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद FX में जाके ब्यूवल ऐड कर लेना है और ब्लर 35% रखना है और डिस्टेंस 20%। फिर कर्व पर जाकर आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद फिर से ब्यूवल ऐड करके इसका एंगल 180 डिग्री कर देना है। और फिर कर्व ऐड करना है। उसके बाद एक और बार 180 डिग्री ब्यूवल ऐड करके कर्व ऐड कर देना है और फिर से एक बार 90 डिग्री बुवल ऐड करके कर्व लगा देना है। अब आपको टेक्स्ट वाले लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और फिर सिलेक्ट पिक्सल करके ग्रेडियंट ऐड कर देना है। अब टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करके नीचे वाले लेयर को ऊपर कर लेना है और इसका ब्लेंड ओवरले कर देना है। अब इसे मर्ज डाउन करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और एफएक्स में जाके 60% गॉशियन ब्लर ऐड कर देना है। फिर ब्लेंड में जाके इसे लीनियर डोज कर देना है। फिर नीचे वाले लेयर में 12-15% शैडो ऐड कर लेना है। फिर इसका डुप्लीकेट करके नीचे वाले लेयर के ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है।
कुछ इसी तरीके से इसके 4 से 5 डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर लेना है, जिससे टेक्स्ट 3D टाइप लगने लगेगा। अब सबसे नीचे वाले लेयर में 20 से 30% ड्रॉप शैडो ऐड करना है। अब सारे टेक्स्ट लेयर को मर्ज कर लेना है। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है और ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके ब्लेंड में जाके ओवरले सिलेक्ट करके इसका ओपेसिटी 50% कर देना है। अब आपका टेक्स्ट लोगो तैयार है। अब इसे सेव कर लें। अगर आपको लोगो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, और पसंद नहीं आई हो तो भी लाइक कर देना।